नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणि प्रकाशन का किताब जो आपका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किताब है समान विज्ञान का जनरल साइंस का, उससे हम लोग जो है 101 आपका जो इसमें दिया गया सेट प्रैक्टिस उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस करें। और आज हम आपका सेट प्रैक्टिस करेंगे सेट नंबर 27, ठीक है। और इसमें आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो सेट नंबर 27 आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन है छिद्र ओरिफाइस। तो छिद्र ओरिफाइस से द्रव्य को बाहरी प्रवाह की दर निर्भर नहीं करती है। तो छिद्र ओरिफाइस से द्रव के बाहरी प्रवाह की दर निर्भर नहीं करती, तो वन का ऑप्शन बड़ी द्रव के घनत्व पर। आपका टू है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी पुष्प में नहीं होते। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पुष्प नहीं होते। थ्री है आयांत्रिक। तो आयांत्रिक तरंगे नॉन मैकेनिकल वेव गमन कर सकती है, तो ऑप्शन मेरे निर्वात एवं माध्यम दोनों में। तो आयांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है निर्वात एवं माध्यम दोनों में। फोर है ध्वनि के वेग एवं परम ताप से संबंध है, तो ध्वनि के वेग एवं परम ताप में संबंध है। तो फोर का ऑप्शन बी इनफिनिट अंडर रूट टी। फाइव है डैश सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्राउजर। तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में किया जाता है। सिक्स है तरल पदार्थों में होते हैं, तो आपका तरल पदार्थ में ऑप्शन नंबर सी आयतन प्रसार गुणांक होते हैं। तो तरल पदार्थों में आयतन प्रसार गुणांक होते हैं। पानी के गलनांक, तो पानी के गलनांक एवं क्वथनांक का अंतर होता है। तो पानी के गलनांक एवं क्वथनांक का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पेपर एट है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, तो पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर है। पेपर नाइन है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, ऑप्शन नंबर सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। टेन आपका एक मोल CO2 में है, तो ऑप्शन नंबर ए 6.022 इंटू 10^23 कार्बन परमाणु। तो एक मोल CO2 में आपका 6.022 इंटू 10^23 कार्बन परमाणु है। कुछ 1100 AMU HE में HE परमाणु की संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए 25 होगी। तो 100 AMU HE में HE परमाणुओं की संख्या होगी 25। तो 12 आपका बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी L इक्वल टू NH/2π होगी। तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र होगी L इक्वल टू NH/2π। कुछ 13 आपका है एक पी ऑर्बिटल में रह सकते हैं, तो एक पी ऑर्बिटल में रह सकते हैं। तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विपरीत चक्रवन के दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेपर 14 है मादक द्रव मारिजुआना क्या है, तो मादक द्रव मारिजुआना क्या है, ऑप्शन बी मानसिक उत्तेजक है, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 15 नंबर 3.7 × 10^10 DPS को कहते हैं, तो 3.7 × 10^10 DPS को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्यूरी कहते हैं। 16 है रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु क्या, ऑप्शन नंबर सी पाई का व्युत्क्रम है। कुछ आपका नेक्स्ट है 17 नंबर तत्वों के आवर्ती नियम पीरियोडिक लॉ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में परिवर्तन किससे संबंधित है, तो तत्वों के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में परिवर्तन किससे संबंधित है, ऑप्शन में परमाणु क्रमांक से संबंधित है। 18 है विश्व का वह भाग, तो विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी एक्सचुमेन कहलाता है। तो विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त कहलाता है, एक्सचुमेन कहते हैं उसे। 19 है एक खाद स्तर से दूसरे खाद स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 90%। एक खाद स्तर से दूसरे खाद स्तर पर जाने का ऊर्जा जो है ह्रास होता है 90%। 20 है 50 kg वजन वाला कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियां पर चढ़ता है, उसकी क्षमता ज्ञात करें और जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड माने, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन सी 320 W, ठीक है। कोई आपका 21 है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। 22 है अफीम का मुख्य अवयव है, तो आपका अफीम का मुख्य अवयव है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्फिन का। 23 है टिक और माइट वास्तव में होते हैं, तो टिक और माइट वास्तव में ऑप्शन मेरे मकड़ी वंशी होते हैं। 24 है विलवणीकरण, तो विलवणीकरण डिसैलिनेशन, तो डिसैलिनेशन क्या है, तो 24 का ऑप्शन में भी यह एक है या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करती है। 25 हृदय हृदय पेशियां हार्ट मसल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रक्षित
एवं अनचेक होती है। तो हृदय पेशियां हार्ट मसल होती है स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रखित एवं अनचेक होती है। ठीक है, तो हमने आपका पढ़ा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस टाइम। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका टेस्ट सीरीज नंबर 28 करेंगे। ठीक है, तो आपका टेस्ट सीरीज नंबर 27 कंप्लीट हो गया। ठीक है।